आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। आज हमारी टीम पहुंची है गणेश कॉलोनी रशीदपुरा के अंदर। ये जो है वार्ड पहले 25 था, इस बार 28 हो चुका है। यहाँ के नगर सेवक थे जो काफ़ी सारी जनता उनको जानती है। इस बार जो है MIM ने उनको भरोसा करके जो है MLA का टिकट जो है सेंट्रल से जिनको मिला था। चलिए, हार जीत तो इंसान के पीछे लगी रहती है। नासिर सिद्दीकी साहब जो है यहाँ के जो है नगर सेवक थे पिछले 5 साल पहले। अब 5 साल जो उनको यहाँ की जनता ने दिया था वोट अपना कीमती देकर, जो है MIM पार्टी से उनको चुन के दिया था। अब हम यहाँ की जनता से जानेंगे 5 साल उन्होंने क्या काम किया। खालाजान, आपके पास में नासिर सिद्दीकी नगर सेवक थे 5 साल पहले। हाँ। उन्होंने 5 सालों में क्या क्या काम किया? बहुत काम किए उन्होंने। लाइटों का कार्य, सड़कों का कार्य। सर, पिछले 5 साल पहले यहाँ पर जो है नासिर सिद्दीकी साहब आपके पास में जो है नगर सेवक थे, 5 सालों में उनका कुछ काम रहा आपके लिए? बहुत सारा काम करे उन्होंने, रोड का काम करे, लाइट का काम करे, चंबर लाइन का काम करे, अस्पताल बनाए, नया काम उन्होंने बनाए हुए अस्पताल MIM पार्टी से चुन के आने के बाद आपके एरिया। हाँ, जो भी कोशिश तो उन्होंने करे ना, पूरा काम उन्होंने किया, पूरा काम उन्होंने करे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, यहाँ पर नासिर सिद्दीकी साहब 5 साल पहले नगर सेवक आप लोगों ने चुन के दिया था, क्या क्या काम किया उन्होंने कुछ बताइए मुझे। सबसे पहले यहाँ पे पानी का मसला था, पानी का हल वो करे, बड़ी लाइन डाले, और डेनिस का मसला था, डेनिस की लाइन वो डाले, गली के एक एक रोड कॉन्क्रीट करे, सब माशाल्लाह सब काम अच्छे से करे, और इंशाल्लाह अभी भी आगे चल के भी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से करेंगे। आने वाले 5 सालों में फिर आप नासिर सिद्दीकी साहब को देखना चाहते हैं? यस इंशाल्लाह। सर आगे आइए, यहाँ पर नासिर सिद्दीकी साहब 5 साल पहले जो है नगर सेवक थे आपके एरिया में, इस बार जो है जनता बता रही है उन्होंने काम किया, आप बताइए सही से उन्होंने क्या क्या काम किया आपके एरिया में। देखिए, मैं पीछे गली में रहता हूँ इधर से। हालांकि जो नगर सेवक होता है तो उसको सिर्फ ये रोड बनाना, नाली बनाना इसके लिए नहीं होता है, कम से कम उसको एक वो रहता है कि अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए उसको सब। तो नगर सेवक वो होना चाहिए कि पब्लिक के लिए, कॉलोनी के लिए अस्पताल बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, लोगों की मसलियत को हल करना चाहिए, और जो जो प्रॉब्लम मतलब लोगों के पर्सनल भी वो हल करना चाहिए। तो माशाल्लाह मेरी नज़र में नासिर भी ने वो सब काम किए हैं, और मेन जो अस्पताल बनाए उन्होंने गरीबों के लिए, रोड बनाए है, और बाहर के मसले जैसे कि अभी हमारी तरफ पे जैसा कलेक्टर ऑफिस है वहाँ की अभी निधि भी आई उनके 2 करोड़ रुपए की, तो वो भी इंशाल्लाह रोड बनाएंगे, और बहुत सारे अच्छे काम किए हैं इसीलिए मैं। अच्छा काम किए जी। अच्छा सर, आपके एरिया में ये सारे लोग बता रहे हैं नासिर सिद्दीकी साहब का काम अच्छा रहा है 5 सालों में, सर आपको क्या लगता है कहीं पर नासिर सिद्दीकी साहब कम पड़े हैं आपके एरिया में? देखिए, अगर बात हो रही है कि सियासी रहनुमा की, तो मैं हमारे भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ थोड़ी। जैसे उन्होंने कहा कि एक नगर सेवक या एक लीडर का काम जो है वो सिर्फ नालियाँ बनाना, नल बनाना या सड़कें बनाना नहीं होता है। एक लीडर वो होता है जो उसके समाज के लोगों के जो मसाइल होते हैं वो सिर्फ मसाइल नल नाली गटर डैमेज नहीं होते, उनके तालीमी मसाइल होते हैं, उनके सेहत के मामलात होते हैं, उनके समाजी हुकूक होते हैं, और जो कानूनी दाव पेच होते हैं, एक रहनुमा इन सब चीज़ों को समझता है और उनको हल करने की सलाहियत भी रखता है। होता यह है कि लोग कॉरपोरेटर चुनकर देते हैं, और कॉरपोरेटर चुन के आने के बाद वो पार्टी का हो जाता है, और फिर जनता को अगले 5 साल तक उसको ढूंढते फिरना पड़ता है। रही बात नासिर सिद्दीकी साहब की, तो मैं खुद इसी कॉलोनी से आता हूँ, तो मैंने उनका जो काम ऑब्जर्व किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तर्ज पर उन्होंने काम किया है, इस तर्ज पर इससे पहले किसी भी कॉरपोरेटर ने इस एरिया में काम नहीं किया है। तो मेरे आवाम से एक दरख्वास्त भी ये है कि अगर आप कोई कॉरपोरेटर लीडर अगर चुन के देते हैं तो सिर्फ उसके रोड नल ड्रेनेज डैमेज की बिना पर नहीं चुनकर देना, यह तो कोई कॉन्ट्रैक्टर भी कर सकता है। तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हो, पैसा कॉरपोरेशन दे रहा है और आप काम करा कर ले रहे हो। लीडर वो नहीं होता है, लीडर वो होता है जो आवाम के समाजी मसाइल में एक इनकलाबी रोल अदा करता है। जैसे कि आज मामला हमारे पास चढ़ा है NPR CA NRC, ये इसको इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी भी जिम्मेदारी हमारे सियासी रहनुमाओं की है। जैसे मैंने कहा ना कि सियासी रहनुमा सिर्फ वोट लेने तक जनता तक नहीं रहते, उनको चाहिए कि चुन के आने के बाद भी जनता में रहे, और भले ही वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर काम क्यों ना करना पड़े, उनको करना चाहिए अगर वो लोगों के हक में है। और हमको नासिर सिद्दीकी साहब से इस बहुत उम्मीद है, जिस तरह पिछले 5 सालों में उन्होंने काम किया है, उन्होंने समाजी और तालीमी मैदान में भी लोगों की बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की है, नौजवानों को उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, अस्पताल यहाँ बनाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे अगले 5 साल में भी वो इसी तरह काम करते रहेंगे। और जैसा मैंने कहा ना, बिलखसूस समाजी और कानूनी जो मुसीबतें होती है उनको समझकर उनको हल करने की सलाहियत होनी चाहिए। हम समझते हैं नासिर सिद्दीकी साहब में ये सलाहियतें हैं। ये बात है जो पॉइंट की बात जो सर ने बताई है कि सिर्फ नालियाँ और
लाइन डेनिस ये काम करना कारपोरेटर का काम नहीं है, बाकी जो सर ने सारी तफसीलें आपको बताई है कि हर कारपोरेटर के अंदर सर ने जैसा बताया कि आज देश का माहौल कैसा है उस हिसाब से जो है नगर सेवक का काम है कि उभर कर बाहर आए और हर चीज़ों में जो है जनता का साथ दे। अब हम चलिए नासिर सिद्दीकी साहब से बात करते हैं कि 5 सालों में उनका क्या कार्य कर रहा और आने वाले 5 सालों में अगर जनता उनको चुनती है तो आने वाले 5 सालों में क्या काम करेंगे, ये हम नासिर सिद्दीकी साहब से बात करते हैं। से बात करने के बाद अब हम पहुंचे हैं नासिर सिद्दीकी साहब के पास। ये नासिर सिद्दीकी साहब जो है पिछले इलेक्शन में एमएलए के लिए जो है एमआईएम ने इनके ऊपर भरोसा किया, चलिए हार जीत तो हर एक के इंसान के पीछे लगी है कुछ, बल्कि ये माना जाता है कि एमएलए ही इनको कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन कुछ हार जीत इंसान के पीछे लगी है, कुछ कम वोटों से गिरे हैं, लेकिन यहाँ के नगर सेवक हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर आपसे जनता से बात करने के बाद पता चला कि आपके बहुत सारे यहाँ पर काम है, हॉस्पिटल का काम किया है आपने, डेनिस लाइन है, रोड के काम आपने किए हैं। सर सबसे पहले मुझे बताइए 5 सालों में आपका जो 5 साल एमआईएम पार्टी ने आपको भरोसा किया था क्या कार्यकाल रहा आपका 5 सालों में, क्या क्या काम किया? मैं पिछले 5 साल में मेरे वार्ड के अंदर तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अनगिनत काम है जो मैं अभी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था या जो मैं सबसे अहम काम मानता हूँ तो वो मेरे वार्ड के अंदर हॉस्पिटल का है, क्योंकि जो हॉस्पिटल इससे पहले हुआ करता था हर्ष नगर के अंदर वो काफ़ी तंग गली के अंदर था और एक 10x12 के रूम में था, यहाँ से बहुत सारी ख़वातीन वहाँ जाती थी और मैं समझता हूँ बेपर्दगी भी बहुत होती थी, मेरे को तकलीफ़ होती थी। वो टाइम मैं सोचा था कि अल्लाह ताला मेरे हाथ से कोई हॉस्पिटल बनवाए तो अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी और वो हॉस्पिटल बनकर तैयार होकर आज स्टार्ट भी हो चुका और अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम वहाँ पे 70 से 80 की रोज़ की ओपीडी भी हो रही है, जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा वहाँ पर जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ के नौजवान जो आलमगीर कॉलोनी के ख़ास तौर पर हैं उनकी एक डिमांड थी कि आलमगीर कॉलोनी का एक एंट्रेंस है डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस के बाजू से, तो वहाँ पर एक ऐसी कमान बनाई जाए जिसे आलमगीर कॉलोनी की शहर में पहचान हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैं कामयाब हुआ। आज वो कमान का काम चल रहा है और मैं समझता हूँ तकरीबन 50% से ज़्यादा काम मुकम्मल हो गया और 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक कमान जो कि मुग़ल आर्ट जैसा होता है तो उस तरीके से हमने उसका डिज़ाइन किया और वो कमान इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा सर, आने वाले 5 सालों में अगर आपको फिर से एक बार यहाँ की जनता अगर भेजती है महानगर पालिका तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि एरिया के अंदर ये चीज़ की ज़रूरत है जनता के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ के तकरीबन जो रोड है या ड्रेनेज का काम है या लाइट का काम है ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है, सारी तो नहीं मतलब उसमें से कुछ 10% काम जो है बचा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू अभी रनिंग नगर सेवक हूँ और इंशाल्लाह ताला यहाँ की आवाम मुझे और मौका देती है तो ये जो बचे हुए काम हैं तो ये बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ के कहीं अभी इलेक्ट्रिसिटी के कोई मसले है पोल शिफ्टिंग के, दूसरी बात यहाँ वार्ड के अंदर 3 ऐसे डेवलपमेंट प्लान के रोड है जो 12 मीटर के हैं और आज आप देखेंगे 12 मीटर यानी 40 फीट का होता है तो आज वो रोड जो है मैं समझता हूँ 8 से 12 ही फीट के आज अवेलेबल है। तो मेरा मकसद यही है कि वो तीनों रोड को खुलवाया जाए और 12 मीटर के रोड कराए जाए, तो मैं समझता हूँ गणेश कॉलोनी के लिए, एक आलमगीर कॉलोनी और एक रशीदपुरा, ये तीनों एरियो के लिए बहुत बड़ा एक समझ लीजिए अप्रोच रोड तैयार हो जाएगा। तो मेरा सबसे आने वाले टर्म में इंशाल्लाह अल्लाह अगर मौका देता है या कि आवाम मुझे मौका देती है तो मैं सबसे पहले वो रोडों के ऊपर काम करने वाला हूँ। अच्छा नासिर भाई, इस बार आपके सामने वो टफ चेहरे हैं इलेक्शन में, तो कैसी तैयारी है आपकी इलेक्शन? देखिए, मेरा मानना है कि अभी हाल में जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुआ और जिस तरह केजरीवाल ने वहाँ पे अपने कामों की बुनियाद पर जीत हासिल की, जबकि पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी, उनकी तमाम लीडरशिप, उनके तमाम कार्यकर्ता और मैं समझता हूँ औरंगाबाद के नगर सेवक भी और पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाके उन्होंने लोगों से मुलाकात की और वहाँ पर उनसे वोट मांगे, लेकिन आवाम ने यह देखा कि हमारे लिए बेहतर कौन है और काम कौन कर सकता है, किसके अंदर सीरियसनेस है, विजन किसके पास है, तो उनको लगा केजरीवाल के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि मेरी वार्ड की जनता भी बहुत काफ़ी होशियार है और वो यही देखेंगे कि पिछले 5 साल मैंने उनके बीच में रहकर क्या किया और आगे मेरा विजन क्या है, ये तो उनके सामने रखूँगा। वो सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ के आवाम से कि वो मुझे चुन कर देंगे इंशाल्लाह। नासिर साहब, आप एक सीनियर लीडर हैं एमआईएम पार्टी के, घट नेता भी रह चुके हैं, बेरोज़गारी का मसला एमआईएम पार्टी किस तरह से देखती है? आज नौजवान काफ़ी सारे परेशान हैं बेरोज़गारी की, आप देख रहे हैं,
तो आपको क्या लगता है इमाम पार्टी क्या उसके लिए सबसे बड़ा संघर्ष करेगी बेरोजगारी के लिए? देखिए, बेरोजगारी मैं समझता हूँ कि इस खाली औरंगाबाद सिटी की हद तक नहीं है। आप देखेंगे तो ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी जो बना हुआ है तो बेरोजगारी ही है। तो ये एक कोई पर्टिकुलर शहर का नहीं है। हाँ, जहाँ तक हम लोगों से छोटे मोटे अपॉइंटमेंट्स वगैरह अगर हम करवा सकते हैं, जिस तरह से मैंने मेरे वार्ड के कुछ बच्चों को, मैं उनको मिलाऊंगा भी आपसे, उनको मैंने कॉरपोरेशन में प्राइवेट इसके अंदर एजेंसी के थ्रू लगवाया हूँ, और ऐसे जहाँ पे हमारे को मौका मिलता है तो हमारे कई नगर सेवक भी है MIM के, जिन्होंने मैं देखता हूँ कॉरपोरेशन में अपने अपने वार्ड के बच्चों को एजेंसी के थ्रू लगवाया। तो ये हमारा एक तो है हमारा प्लान कि बेरोजगारों को रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन मुल्क के हालात और जिस तरीके से आर्थिक मंदी पूरे दुनिया में चल रही है तो उसकी वजह से आजकल रोज़गार ज़्यादा अवेलेबल हो नहीं पा रहे हैं, और जहाँ मौका मिलता है इंशाल्लाह हम लोग पूरी तरीके से नौजवानों के साथ होकर उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। ठीक, नासिर सिद्दीकी साहब, एक और छोटा सा सवाल मेरा ये है, ये आपके सामने ऑफिस सामने जो रोड जा रहा है अल्पन हॉस्पिटल के सामने वाला रोड काफ़ी सारा ख़राब हो चुका है, ये रोड के बारे में क्या संघर्ष रहेगा आपका आगे 5 सालों में? देखिए, ये रोड इसलिए ख़राब नज़र आ रहा है क्योंकि इससे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का फंड शहर के रोडों के लिए दिया था, तो उसके अंदर मैंने नुमाइंदगी करके, हमारे सिटी इंजीनियर भी इसके गवाह है, ये रोड का नाम उसके अंदर आया था। लेकिन चूंकि शिवसेना और भाजपा ये देख रही थी कि ये मुस्लिम एरिया से अटैच है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी नीयत है वो उसके अंदर खराबी लाते हुए रोड को उस वक्त कैंसिल किया था। लेकिन उस वक्त के आमदार और हमारे खासदार आज के इम्तियाज जलील साहब, जिस वक्त यहाँ के उस वक्त के CM देवेंद्र फडणवीस यहाँ आए थे, तो हमने जब ये हमारे रोड कई सारे मुस्लिम वार्ड के जो रोड्स है वो नहीं लेने की वजह से हमने ये पूरी पार्टी ने इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व के अंदर ये डिसाइड किया था कि हम CM को काले झंडे बताएंगे। और जिस वक्त ये बात पुलिस प्रशासन तक पहुँची, CM तक पहुँची, तो उन्होंने इम्तियाज जलील साहब को स्पेशली बुला के ये बोला कि इम्तियाज जलील साहब, आप मेरे ये हड़कों की सभा के अंदर आइए और मैं आपको एक तोहफा दूंगा, और आप अभी काले झंडे मत बताइए। तो जिस वक्त वो हमने सभा अटेंड की तो वहाँ पर उस वक्त के CM देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐलान किया था कि मैं 120 करोड़ रुपए और दे रहा हूँ आपके शहर के लिए। तो एक बहुत बड़ा ऐलान था। तो उस वक्त हमारे को ये उम्मीद लग गई थी कि हमारे मुस्लिम वार्डों के जो रोड है बड़े बड़े, तो वो आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात पर फख्र करता हूँ कि मुस्लिम वार्डों के तकरीबन 54 करोड़ रुपये के रोड, ये 120 करोड़ रुपए जो आए हैं और उसके टेंडर भी हो चुके हैं, तो उसके अंदर आए। और मेरे सामने का ऑफिस का जो रोड देख रहे हैं आप, तो ये 11 करोड़ रुपए की लागत से इसका टेंडर भी हो चुका है और 6 महीने का पीरियड है। 6 महीने में आपको बेहतरीन यहाँ पे रोड नज़र आने वाला है। ये थे हमारे नासिर सिद्दीकी साहब। इनका भी, फिरोज़ खान की ऐसा है कि फिर नासिर सिद्दीकी साहब नहीं बोलते, इनका काम बोलता है। एरिया में काफ़ी सारा हमारा सर्वे के बाद हमने देखा कि 90% काम पूरा हो चुका है, कुछ बचा है जो आने वाले 5 सालों में अगर जनता यहाँ की इनको चुन कर देती है, फिर एक बार महानगर पालिका भेजती है, तो ये जो बचे हुए काम है वो भी करेंगे। और जो इन्होंने आगे प्लान बताया है गणेश कॉलोनी का जो रोड बताया है वो भी आने वाले 5 सालों में जो है करने वाले हैं। जो मेन रोड यहाँ से जा रहा है तो मेन रोड के काम के लिए भी इन्होंने आगे वाले 5 सालों में संघर्ष करने वाले हैं। MJ पटेल के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। करती हो।